वर्चुअल में आइए या फिजिकल रूप से आइए। जनता जो कि पीड़ित है, बाढ़ से पीड़ित है, मुजफ्फरपुर जो क्राइसिस है बच्चों का उससे पीड़ित है, लगातार बारिश हो रही है, फसल मर रहे हैं, किसान बेरोजगार हो रहे हैं, बेरोजगारों की तो एक श्रृंखला पहले ही बिहार में आकर बैठी हुई है, पलायन करना पड़ रहा है इस दौरान, और इन सारी चीज़ों का ठीकरा कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश के बजाय भाजपा पर फूट जाए। बिहार के कुछ युवाओं ने कल ट्विटर पर ट्रेंड कराया था, ट्रेंड था कि बिहार में टेस्टिंग को बढ़ाया जाए और जान बचाया जाए। हालांकि ये ट्रेंड नंबर 2 तक पहुंचा था, लेकिन बिहार सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगा था। तेजस्वी यादव भी केंद्र के रवैये पर काफ़ी ढीले हैं, लेकिन नीतीश कुमार के रवैये पर वो काफ़ी गुस्साए हुए हैं। बिहार सरकार जिस तरह से कोरोना को लेकर मजाक बनाई हुई है, इस पर भी उनका कहीं ना कहीं बड़ा आक्षेप रहा है। सुबह में भी हमारे चैनल पर उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था, इस दौरान भी उन्होंने कहा था कि विपक्ष की चिंता छोड़िए, सत्तापक्ष की चिंता छोड़िए, चुनाव की चिंता छोड़िए, फिलहाल हमें फोकस टेस्टिंग पर करना चाहिए। जो कोरोना काल है इसमें इसका सामना नहीं कर सकता है, यानी उनकी टेक्नोलॉजी उनके पास इतनी नहीं है कि वो जवाब दे सके भाजपा के इन तैयारियों का। इसीलिए विपक्ष चाहती है कि फेयर यूजर्स के तहत चुनाव हो, और पुराने ढंग पर चुनाव हो सके तो हो, वरना नए तरीके से अगर चुनाव कराया जाए तो सभी के लिए इक्वल प्लेइंग ग्राउंड बनाया जाए। खबरों का बाज़ार हमेशा गर्म रहता है, इन गर्म बाज़ारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते, हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में अपना फेवरेट शो पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा के आज के एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं ऐसी चीज़ जो कि शायद आपने पहले भी तय कर ली होगी कि ऐसा हो सकता है। हालांकि ये बातें बोलना भी अब कहीं ना कहीं बेमानी लगता है कि मैंने लगभग 2 महीने पहले आपको कहा था कि उम्मीद यही है कि बिहार चुनाव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बिहार चुनाव के वक्त में कोरोना की स्थिति ऐसी बिहार में हो जाएगी, जिस तरह का कंट्रोल रेट, जिस तरह के टेस्टिंग रेट्स चल रहे हैं, और प्रिवेंशन के बजाय हम इलाज पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और इलाज तो हम कभी भी ठीक से नहीं कर पाए। अगर इलाज कर पाते तो मुजफ्फरपुर में लगातार बच्चे थोड़े चमकी बुखार से मर रहे होते हर साल। लेकिन इन परिस्थितियों के बावजूद एक बड़ा कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर हम ऐसी स्थिति में आ कैसे गए। हमने चुनाव की तैयारी बहुत पहले से ही कर रखी थी, हमने कोरोना को लेकर भी हमें समय मिला था अच्छा खासा, लेकिन पॉलिसी पैरालिसिस, स्ट्रेटजिक मिस्टेक्स, और मुझे लगता है कि सरकारों की जो गोल्स होनी चाहिए वो कुछ और ही थी। चुनाव की तैयारियां ज़्यादा महत्वपूर्ण थी रदर देन की कोरोना को रोकने को लेकर। जहां पूरे विश्व में लोग कोरोना से मर रहे थे, हाहाकार मचा हुआ था, आंकड़े जितने बिहार में हैं उतने ही आंकड़ों पर लोगों ने इमरजेंसी लागू कर दी थी अपने राज्यों में, और उस परिस्थिति के बावजूद बिहार में हम चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे थे, चुनाव की तैयारी कर रहे थे। कल ही देखिए ना, एक तस्वीर बिहार के पटना के DM की वायरल हो रही थी, टेस्टिंग किट्स तो पहुंच नहीं रहे हैं लेकिन EVM किट्स पहुंच गए हैं। आप वोट दीजिएगा, आपको दिलवाया जाएगा, आपको मजबूर किया जाएगा, किन परिस्थितियों में चुनाव होगा ये तो साफ इन तस्वीरों को देखकर समझ में आ जाता है कि जहां PPE किट्स होने चाहिए, टेस्टिंग किट्स होने चाहिए, सैनिटाइज़र लोगों को मिलना चाहिए, सरकार द्वारा लोगों को मास्क बंटवाना चाहिए था, राशन बंटवाना चाहिए था, लॉकडाउन की कड़ी से कड़ी तरीके से पालन कराना चाहिए था, वहीं सरकार चुनाव को कड़े से कड़े तरीके से कराने के लिए तैयारी कर रही है। ऐसे में विपक्ष ने नीतीश कुमार की इन तैयारियों को कुछ हद तक ग्रहण लगा दिया था। पटना में ही जगदानंद सिंह के नेतृत्व में CPI, हम, रालोसपा और कांग्रेस के प्रतिनिधि जाकर जो निर्वाचन आयोग है उनके पदाधिकारियों से मुलाकात की, और उन्होंने अपने तरफ से ये आश्वासन मांगा कि चुनाव वक्त पर कराने के लेकर आपकी तैयारियां क्या हैं, कैसे आप कोरोना काल में चुनाव करेगा और लोगों को कैसे इससे प्रभाव नहीं होगा। देखिए, विपक्ष ने ये प्रयास किया लेकिन तब भी खबरें आई कि चुनाव वक्त पर ही होगा। फिर विपक्ष ने दिल्ली में एक ज़बरदस्त मीटिंग की जिसमें ऐसे लोग पहुँचे टॉप ब्रास जो कि विभिन्न पार्टियों के थिंक टैंकर्स कहे जाते हैं।
अब एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, RJD ने मनोज झा को आगे किया, वहीं कांग्रेस की तरफ से शक्ति सिंह गोहिल पहुंचे थे, रालोसपा में उपेंद्र कुशवाहा और माधव आनंद पहुंचे थे, वहीं VIP की तरफ से राजीव मिश्रा पहुंचे थे। इन सारे लोगों का वहां पहुंचना ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि इस चुनाव को लेकर, चुनाव के स्ट्रेटजीज को लेकर, चुनाव के वजह से जो बिहार में कोरोना की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, लोगों की मोर्टैलिटी बढ़ेगी, इन सब पर विपक्ष बहुत चिंतित है। हालांकि विपक्ष की भी अपने भी कहीं ना कहीं इसमें इंटरेस्ट्स हैं। आप देख लीजिए ना कि अगर चुनाव जिस तरीके से कराने की तैयारी चल रही है, आज भी देख लीजिए आप, लगातार पिछले 10 दिनों से जदयू की रैली सम्मेलन चल रहा है, वर्चुअल सम्मेलन, जिसमें लोगों को लगातार जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। साफ बात है, बिहार सरकार चुनाव को लेकर ज़्यादा चिंतित है रदर देन कि कोरोना को लेकर। लेकिन इस बीच बिहार सरकार की तरह केंद्र सरकार ने चुनाव को फोकस ना करते हुए कोरोना पर फोकस किया है, क्योंकि जो विपक्ष की टीम लगातार मुलाकात की थी दिल्ली में, और जो इन्होंने दिल्ली में बैठकर एक एजेंडा बनाया और उसे मेमोरेंडम को चुनाव आयोग को सौंपा कि आप इन हमारी रायों को मानिए, वक्त पर चुनाव कराने ना कराने को लेकर इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था, लेकिन ये जो जरूर इसमें सजेशंस दिए गए थे कि आप कोरोना काल में अगर बिहार में चुनाव करा रहे हैं तो हमारी इन रायों को मान लीजिए। साथ ही साथ उसमें ये लिखा गया था कि आप एक केंद्रीय जांच टीम को बिहार भेजिए और जांच कराइए कि आखिर बिहार में परिस्थितियां कैसी हैं, क्या दिन पर दिन बिहार की परिस्थिति बिगड़ती नहीं जा रही है। इसके अलावा भी चुनाव को लेकर कई चीज़ें लिखी, जैसे डिजिटल कैंपेन को इस तरह से उसको रोका जाए कि सभी पार्टियां एक बराबर ही खर्च कर सकें, उसके ऊपर हो रहे खर्च को निर्धारित किया जाए, जो अलग अलग बूथ्स बनेंगे उसमें जो 250 लोगों तक को वोट करने का अधिकार दिया जाए। ये सारे सजेशंस के अलावा एक बड़ी बात ये थी कि कहीं ना कहीं जो केंद्रीय टीम है वो बिहार आए, और बिहार सरकार जिन आंकड़ों को छुपाने का आरोप आज भी तेजस्वी यादव ने लगाया है कि 18 उनके विधायकों का टेस्टिंग हुआ है, लेकिन एक सप्ताह से ज़्यादा समय हो गए हैं, अभी तक रिपोर्ट्स नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बिहार कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है, ग्लोबल राजधानी बन गया है, और इसके बावजूद लोगों को इसी तरह से मरने के लिए छोड़ दे रही है बिहार सरकार, आंकड़े छुपा रही है। अब देखिए ना, लगातार जो आंकड़े आ रहे थे ट्विटर के माध्यम से बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के, उन आंकड़ों को 3 दिनों से इस तरह से कंफ्यूज कर दिया गया है कि सिस्टम में कितने आंकड़े हैं, कितने आंकड़े सामने आए हैं डेली, वो बिल्कुल कन्फ्यूज़ किए जा रहे हैं। क्योंकि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि टेस्टिंग बढ़ाने की बात की जा रही थी और टेस्टिंग नहीं बढ़ पा रहा है, और जिसकी वजह से इसका मुख्य कारण विपक्ष के दल बता रहे हैं कि नीतीश जी चाहते हैं कि चुनाव किसी तरह से वक्त पे हो जाए, उन्हें चुनाव वक्त पर कराने से फ़ायदा है, और विपक्ष को चुनाव रोकने के बजाय विपक्ष को इन परिस्थितियों में इंटरेस्ट है कि कहीं ना कहीं चुनाव में अगर सारी ताकत अपनी लगा देंगे नीतीश कुमार और भाजपा तो उनके लिए सरकारी तंत्र का उपयोग भी आसान हो जाएगा, और जिस तरह का पैसा और जो अलग लॉजिस्टिक्स लगाती है भाजपा चुनाव के दौरान, इससे कहीं ना कहीं विपक्ष जो कोरोना काल है इसमें इसका सामना नहीं कर सकता है, यानी उनकी टेक्नोलॉजी उनके पास इतनी नहीं है कि वो जवाब दे सके भाजपा के इन तैयारियों का। इसीलिए विपक्ष चाहती है कि फेयर यूजर्स के तहत चुनाव हो, और पुराने ढंग पर चुनाव हो सके तो हो, वरना नए तरीके से अगर चुनाव कराया जाए तो सभी के लिए इक्वल प्लेइंग ग्राउंड बनाया जाए। देखिए, अब ये मांग जो इनकी थी उस दिन ही रात में मैंने खबर चला दी थी आप लोगों के सामने कि ये जो मांग है विपक्ष की, इसको लेकर एक टीम बना दी गई है, 3 सदस्यीय एक टीम बनी थी जिसमें स्वास्थ्य विभाग जो है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल थे। इसके अलावा इसमें नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के निदेशक डॉक्टर एसके सिंह थे, और न्यू दिल्ली जो एम्स है इसके एसोसिएट प्रोफेसर नीरज निश्चल थे। इन लोगों की टीम आज गया पहुंची थी। गया जाने के बाद गया के अनुग्रह नारायण जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर ये टीम पहुंची। टीम ने वहां पर पूरे दिन अपनी समय बिताया, जो हॉस्पिटल है वहां विजिट हुआ, वहां के जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखा गया, कैसे कोरोना कंट्रोल किया जा रहा है इसे देखा गया, जो कोरोना के मरीज हैं उनको क्या सुविधाएं दे रही है सरकार इस पर फोकस किया गया, और इन सारे डेटा को लेकर एनालाइज किया गया। खबर ये है कि मौके पर जो मौजूद थे हमारे रिपोर्टर्स, उन्होंने उनसे तो बहुत दूरी बना कर रखी इस टीम में, लेकिन इस टीम में जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, और उसके बाद GV रोड जाकर वहाँ कंटेनमेंट जो है जोन है वहाँ जाकर इन्होंने देखा, और जिस तरह के भाव चेहरे पर दिख रहे थे, जिस तरह से ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे,
इससे बहुत हद तक ये बातें समझ में आ रही थी कि नीतीश कुमार की जो व्यवस्थाएं हैं बिहार को लेकर और जो मैसेज ये केंद्रीय नेतृत्व को केंद्र सरकार को दे रहे हैं बिहार के बारे में कि बिहार में बहुत दिक्कत नहीं है, ये सारी चीज़ें फ्लॉप साबित हो रही हैं, झूठी साबित हो रही हैं। और जो टीम आई वो बहुत हद तक कहा जा सकता है बिहार की परिस्थितियाँ देखकर डरी हुई लगी, असंतुष्ट लगी। और इस तरह से जो तैयारियाँ इन्होंने की हैं इससे एनालिसिस ये किया गया कि जो बिहार में कोरोना का प्रकोप है ये अभी भयावह नहीं है, ये और भयावह इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा चुनाव तक। यानी एक बात तो स्पष्ट है कि चुनाव को लेकर जो संशय बना हुआ था ये अब कम से कम दुगुना तो जरूर हो गया है, अगर ये स्पष्ट ना कहा जा सके कि चुनाव नहीं होगा वक्त पर, ये कहना हमारे कार्य क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लेकिन एक विश्लेषक के तहत पर राजनीतिक माहौल को देखते हुए मैंने दो महीने पहले एक भविष्यवाणी की थी कि चुनाव के दौरान तक कोरोना बिहार में इस तरह से फैल जाएगा कि उम्मीद नहीं है कि चुनाव वक्त पर करा पाइएगा। मुर्दे वोट नहीं देते हैं, डेड मैन टेल नो लाई। और इसी हिसाब से आप देख लीजिए कि प्रकोप बढ़ने के साथ साथ अधिकारियों ने यह कहा है कि सचेत करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बिहार में। यानी आप भगवान भरोसे हैं, ये बात तो बिल्कुल तय है। इसके अलावा T4 का फॉर्मूला देकर ये टीम बिहार से गई है। T4 माने ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट एंड ट्रैकिंग। यानी ट्रेसिंग मतलब होता है किसी भी चीज़ को खोज निकालना, वहाँ तक पहुँच पाना। ट्रेसिंग के माध्यम से उन लोगों को पकड़ा जाए जिनके पास सिम्टम्स हैं, उन लोगों तक पहुंचा जाए जहां पे ये कोरोना है, उसके अलावा उनको टेस्टिंग की जाए, उनकी जांच की जाए, अगर सिम्टम्स है तो उनकी जांच हो। और जांच का दायरा तो बिहार में इस तरह का है कि लगातार बिहार के कुछ युवाओं ने कल ट्विटर पर ट्रेंड था कि बिहार में टेस्टिंग को बढ़ाया जाए और जान बचाया जाए। हालांकि ये ट्रेंड नंबर 2 तक पहुँचा था लेकिन बिहार सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगा था। लेकिन केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेवारी समझते हुए, आज देख ली ना किस तरह से विपक्ष के एक बड़े चेहरे मांझी जी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ाई कर दी है। बहुत हद तक कहा जाता है तेजस्वी यादव भी केंद्र के रवैये पर काफ़ी ढीले हैं, लेकिन नीतीश कुमार के रवैये पर वो काफ़ी गुस्साए हुए हैं। बिहार सरकार जिस तरह से कोरोना को लेकर मजाक बनाई हुई है इस पर भी उनका कहीं ना कहीं बड़ा आक्षेप रहा है। सुबह में भी हमारे चैनल पर उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था इस दौरान भी उन्होंने कहा था कि विपक्ष की चिंता छोड़िए, सत्तापक्ष की चिंता छोड़िए, चुनाव की चिंता छोड़िए, फिलहाल हमें फोकस टेस्टिंग पर करना चाहिए। अब जब सबको ये बात समझ रहा है तो नीतीश कुमार ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? जो 4T4 का फॉर्मूला दिया गया है, ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट एंड ट्रैकिंग, ये क्यों नहीं कर पा रही है बिहार सरकार? देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अगर जो नंगी हकीकत कहा जाए वो ये है कि कहीं ना कहीं सरकारी आंकड़े अगर कम नहीं होंगे तो जो आंकड़े मीडिया के माध्यम से आएंगे वो और बड़े होंगे। सरकार कि जो एजेंसियां हैं ये मीडिया हमारे लिए भी एक इंफॉर्मेशन सेंटर की तरह काम करती हैं। हम सभी मीडिया एजेंसीज के पास इंडिपेंडेंट सर्वे कराने का ना तो रिसोर्स है ना लॉजिस्टिक्स, और इस कोरोना काल में जिस तरह से सब कुछ को लिमिट कर दिया गया है हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल होता है ऐसे दौर में पता कर पाना कि एक्चुअल आंकड़े कितने हैं। लेकिन बिहार के अनुभव, बिहार की भौगोलिक और सांस्कृतिक रचना, बिहार के लोगों में जिस तरह का मैंने आपको पहले भी कहा है कमोड्री है, आपस में जिस तरह से हमारा क्लोजली नीटेड सोसाइटी है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कहीं ज़्यादा आंकड़े हुआ करेंगे। अब जब सरकार ये खुद कह रही है कि 27-28 हज़ार लोग बिहार में पीड़ित हैं तो ये आंकड़े लाख के आसपास आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मैं किसी को डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अब तक जितनी भी कोरोना को लेकर मैंने भविष्यवाणी की है वो लगभग सारी सही रही हैं। और उसी आधार पर मैं कह रहा हूँ कि बिहार में कोरोना के आंकड़े चुनाव तक इसी तरह से अगर चलते रहें तो इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि सरकार इन आंकड़ों को अगर नहीं छुपाएगी, सरकार अगर टेस्टिंग रेट्स को बढ़ा देगी तो आंकड़े इतने भयावह हो जाएंगे कि जनता घर से बाहर नहीं निकलेगी, ना तो सामान के लिए निकलेगी, भूखे मर जाएगी लेकिन बाहर नहीं निकलेगी। आप देख लीजिए ना आज ही आंकड़े जब बढ़ रहे हैं तस्वीरें पूरे बिहार से कैसे आ रही हैं, लगातार हॉस्पिटल्स पे सवाल खड़े हो रहे हैं, परिजन अपने मरे हुए परिजनों की तस्वीरें लगातार शेयर कर रहे हैं, कोई ऑक्सीजन की वजह से मर जा रहा है, किसी को हॉस्पिटल में एंट्री तक नहीं मिल रही है, कहीं बच्चे भी लग रहे हैं लाशों को लपेटकर, कहीं अलग अलग परिस्थितियां हैं। और इन सब को एक्सपोज करते करते कहीं ना कहीं मानवता भी खुद पर खुद एक्सपोज हो जा रही है। और सवाल सबके मन में यही आ रहा है कि आखिर लाशों की बलि चढ़ाकर, लाशों के ढेर पर गेम ऑफ थ्रोन्स समझकर नीतीश कुमार क्यों सत्ता और इस कुर्सी को बनाए रखना चाहते हैं।
लेकिन नीतीश कुमार की अपनी मजबूरी है, मैंने पहले भी विश्लेषण में समझाया है कि वो अगर वक्त पर चुनाव नहीं होगा तो उनके हाथ से बिहार निकल जाएगा। राष्ट्रपति शासन आने का मतलब ही है कि नीतीश कुमार की जो शक्तियां हैं वो जल बिन मगरमच्छ की तरह हो जाएंगी, और ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार आने नहीं देना चाहते हैं खुद को। वो जानते हैं कि भाजपा भी उनकी बहुत बड़ी हितैषी है नहीं, विपक्ष तो उन पर सीधा टारगेट कर ही रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार ने चुनावी तैयारियां ये जानते हुए कि कोरोना बढ़ रही है, ये जानते हुए कि लगातार नेतागण भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, जारी रखे हुए हैं। नीतीश के पास एक ही रास्ता बचा हुआ है कि वो वक्त पर चुनाव करा ले। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने जिस तरह से आज इस सारी तैयारियों को लेकर नीतीश कुमार के असंतोष जताया है, नीतीश जी के कान मरोड़ने के अलावा, नीतीश सरकार के कान मरोड़ने के अलावा नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद बिहार में चुनाव के दौरान यहाँ मौजूद होंगे, और जब वो आएंगे तो जनता उनसे सवाल जरूर पूछेगी, चाहे आप वर्चुअल में आइए या फिजिकल रूप से आइए। जनता जो कि पीड़ित है, बाढ़ से पीड़ित है, मुजफ्फरपुर जो क्राइसिस है बच्चों का उससे पीड़ित है, लगातार बारिश हो रही है, फसल मर रहे हैं, किसान बेरोजगार हो रहे हैं, बेरोजगारों की तो एक श्रृंखला पहले ही बिहार में आकर बैठी हुई है, पलायन करना पड़ रहा है इस दौरान, और इन सारी चीज़ों का ठीकरा कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश के बजाय भाजपा पर फूट जाए। पिछली बार भी 2015 में भाजपा को जिस तरह का मैंडेट मिला था वो बहुत संतोषजनक नहीं था, और इस बार भाजपा नहीं चाहेगी कि नीतीश की वजह से उसे फिर झेलना पड़े। ऐसी परिस्थिति में नीतीश और मतलब कहीं ना कहीं इस केंद्रीय टीम के आने की वजह से नीतीश और भाजपा के रिश्तों में दरार आपको बिल्कुल दिखेगी। कल फिर पंचनामा के दौरान आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल पंचनामा में इतना ही। कैसा लगता है आपको मेरा पंचनामा जरूर बताइए। सुधार लगातार हमारे चैनल पर हो रहा है, अलग अलग तरीके से अलग अलग जो शोज़ हैं इन सभी को हम बहुत फ्रीक्वेंटली और टाइमली आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी मेहनत तब सफल होती है जब आप हमें प्रोत्साहित करते हैं, और आप हमें प्रोत्साहित कमेंट करके, वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।